हे गाइस, आज हम एक नए जगह पे आए हैं और इस जगह के बारे में हम आपको बता दें, ये वो जगह है जहाँ की हम और मेरे हबी मतलब पूरे उम्र के लिए बंधे थे। ये हम लोग का शादी का स्थान है, यही हम लोग का शादी हुआ था और इस मंदिर का नाम है मठेश्वर धाम और इसको ऐसे हम लोग काठो काठो बोलते हैं, काठो मंदिर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक में, जब से मेरा शादी हुआ है, 10-15 बार हम आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये मंदिर बना हुआ था। हे गाइस, अभी तो हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे क्योंकि हम जो करने आए थे प्लान ही मेरा फेल हो रहा था क्योंकि मंदिर का साउंड शुरू हो गया था, मतलब गीत वीत चला दिए थे पंडित जी सब और अभी लाइन कट गया तो आवाज़ कम हो गया क्योंकि हम पूछे कि साउंड बंद नहीं हो सकता है तो पंडित जी बोले नहीं नहीं बंद हो सकता है, तो इसलिए अभी लाइन नहीं है और बाजा बंद है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं हम जो करने आए थे वो अपना काम पूरा कर लें। तो गाइस देखिए, ये मंदिर का पीछे का जगह है, यानी कि यहाँ मंदिर के पीछे का नहीं, ये मंदिर के सामने का जगह है। यहाँ पे पोखर है नीचे में, यहाँ बड़ा सा पीपल का पेड़ है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बैठने वाला जगह बना हुआ है और इधर पोखर है, यहाँ पोखर है। और अभी हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ गाना बज रहा है, भजन लगा दिए पंडित जी सब, तो बोल नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ मंदिर आप लोगों को दिखा देंगे। तो गाइस देखिए, इधर से ये मंदिर का आने का रास्ता है, ये सामने का रास्ता है। क्या कर रहे थे तुम? हाँ ना, मंदिर का दिखा क्या था। हाँ, मंदिर का दिखाने जा रहे हैं। वहाँ भैया भैया आइए ना। तो गाइस देखिए, वो उधर से भी आ सकते हैं, वो उधर का भी रास्ता है। और सावन में यहाँ भी एक महीना, मतलब कि बोलबम से जो सब आते हैं यहाँ पे भी जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इधर देखिए, ये दो रूम है और यहाँ पे जब किसी का शादी होता है तो यहीं पे पहले लिखाया जाता है, मतलब ससुर का नाम, पति का नाम, लड़की का नाम, गांव का नाम, इसी दोनों रूम में बैठते हैं लिखने के लिए। और यहाँ पे अगर लड़का लड़की का शादी सेट होता है, यानी कि लड़का कोई देखने आता है या लड़की कोई देखने आता है, तो यहाँ पे देखा सुनी होता है। और अब चलिए आपको हम ले जाते हैं मंदिर के तरफ। तो यहाँ पे लगता है कि कोई अष्टजाम करवाया होगा, तो ये मरवा बना है यहाँ पे। अभी चलिए हम आपको ले जा रहे हैं मंदिर के तरफ। तो आवाज़ के कारण मेरा आवाज़ आप लोगों को नहीं सुनाई देगा, तो मंदिर दिखा देते हैं आपको। गाइस देखिए, इधर एक कुआं है, इस कुआं से सब जल भर के तब इसी कुआं से सब जल भर के तब मंदिर में यहाँ से घुसते हैं। आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा। देखिए गाइस, इधर ये काली माँ का मंदिर है और इधर यहाँ पे मूर्ति बनता है, ये मूर्ति बनने का जगह है। और ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे हमेशा जब भी आए हम तो लॉक रहता है ये। और यहाँ भी एक कुआं है लेकिन इसमें से कोई जल नहीं भरता है, ये ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक कराने के लिए। गाइस ये देखिए, ये ही यहाँ का शिवलिंग है, ये स्थापित किया हुआ नहीं, ये अपने आप से मतलब यहाँ पे हुए, मतलब अपने आप से
और ये देख सकते हैं आप साइड साइड जो इसके मतलब की जगह है, स्पेस है, इसमें पानी है और पानी से ये पत्थर निकला यानी कि शिवलिंग निकले हुए हैं। और ये जो है दिनों दिन ये बहुत छोटे थे और ये धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आके पता भी करना चाहे कि अंदर गिट्टी गिरा के ये कहाँ जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला है। तो आज हम आप लोगों को ये मंदिर भी दिखा दिए और यहीं पे हमारा शादी हुआ था, आपको हम बताए। पहले हम आए थे तो ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होते जा रहा है। गाइस ये देखिए, ये अन्नपूर्णा माँ है, ये माँ अन्नपूर्णा है। यहाँ पे अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। ये सब टूट के नया बनेगा, ये बहुत पुराना हो चुका है तो ये सब नया बनेगा। और ये देखिए, ये शनि देव की मंदिर है, ये शनि भगवान है। और यहाँ पे ये पंडित जी सब का बैठने का जगह है। और यहाँ भी पीपल का पेड़ है, इसमें भी पूजा करते हैं। तो गाइज आप लोगों को सबको हम दिखा दिए, मंदिर भी दिखा दिए और अपने बारे में बता भी दिए। तो अब हम शाम हो जाएगा, वैसे आज श्रृंगार का दिन था लेकिन रात हो जाएगा, 8 बज जाएगा श्रृंगार करते करते, तो आज हम नहीं दिखा सकते हैं। वो देखिए वो उधर से आ रहे हैं मेरा पर्स लिए हुए। देखिए हमको ढूंढते ढूंढते वो आ रहे पर्स लेते हुए। देखिए कैसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए, इसको वहीं पे छोड़ के आ गए। गाइज आपको दिख रहा है इसमें एक कछुआ है, देखिए हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, गौर से देखिए आपको दिखेगा। इस कुआं में एक कछुआ है, देखिए एक नहीं है यहाँ पे है, इसमें है 4-5, आवाज सुन के वो अंदर चले जाता है। कैसे रहता होगा इसमें, निकलता नहीं होगा बाहर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग घर जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा दूर है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।